ऐसे ओंकार का ध्यान करके योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ओम का बोल करके जप किया, इसको वाचिक जप कहते हैं। ऐसे ओष्ठ हिलते रहें और बाहर ध्वनि ना जाए, इसको उपांशु जप कहते हैं। और मन ही मन ओंकार का ध्यान किया कि ओंकार सर्वकर्ता सर्वनियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य अविनाशी परम दयालु परम कृपालु परम सखा परम पिता परम माता परम गुरु, हमारे परम हितैषी हैं ओंकार। और ओंकार ही इस पिंड ब्रह्मांड के सारे जीव जगत के जड़ चेतन के पूरे अस्तित्व के आधार हैं। मैं प्रभु आपकी शरणागत हूँ, ऐसे बीच बीच में जब भी वक्त मिले एक दो मिनट का ध्यान कर लेते हैं तो फिर संसार के सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, भगवान के आलंबन में, भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान की दिव्य प्रेरणाओं से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, भगवान के ही प्रतिनिधि प्रतिरूप, भगवान के यंत्र बन करके जिए, ये जीवन का सत्य है। अब जीवन भी कई तरह से लोग जीते हैं, कुछ तामसिक जीवन जीते हैं, कुछ राजसिक जीवन जीते हैं, कुछ सात्विक जीवन जीते हैं, इससे भी परे एक जीवन है जिसको गुणातीत भावातीत दिव्य जीवन कहते हैं। खैर, तो मैं आज आपसे विकल्पों की बात कर रहा हूँ। जीवन के भी कई विकल्प हैं, एक तामसिक जीवन, एक राजसिक जीवन, एक सात्विक जीवन। तो मैं चाहूँगा आप सात्विक जीवन का वर्णन करें। और क्यों करें? क्योंकि सात्विक जीवन जीने से आपको अधिक सुख मिलेगा जीवन में, अधिक सफलता मिलेगी जीवन में, अधिक शांति संतुष्टि तृप्ति प्रसन्नता मिलेगी जीवन में। और सब कुछ करते हुए भी आप अकर्ता होकर के निष्काम कर्म करते हुए दिव्य कर्म या भागवत कर्म, वेद कर्म, राष्ट्र कर्म, स्वधर्म का पालन करते हुए आप एक पूर्ण सुखी जीवन जी पाएंगे। खैर, ये तो जीवन के विकल्प हुए। ध्यान के भी विकल्प हैं, ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, गायत्री का ध्यान कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान की स्मृति मात्र से, इसको मैं संकल्प समाधि कहता हूँ। हमने लगभग 35-40 वर्ष इसका अभ्यास किया है भगवान के आश्रम में जीने का, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के नाते करते हैं, चाहे योग करवा रहे हैं, चाहे आयुर्वेद की औषधियाँ दे रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा आपको उपलब्ध करा रहे हैं, स्वदेशी विकल्प आपको उपलब्ध करा रहे हैं, स्वदेश की भाषा को गौरव दे रहे हैं, स्वदेश की शिक्षा, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेश की खेती, स्वदेश की संस्कृति सभ्यता, स्वदेश की परंपरा, स्वदेश का स्वाभिमान, ये हम भगवान के नाते ये सब करते हुए आपको जीवन के ये श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध करवा रहे हैं। अब मैं आज जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ गहरी बातें और उनका श्रेष्ठतम विकल्प क्या हो सकता है। देखो, औषधियों के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, वहाँ से आज भी बात शुरू करूँगा, क्योंकि जब भी मेरा कहीं नाम आता है, पूज्य आचार्य बाक्ष जी का कहीं नाम आता है, तो सबसे पहले लोगों को ये अपेक्षा रहती है कि हमारे रोगों के उपचार के संदर्भ में कुछ बात बताएंगे। तो जैसे किसी को वात रोग बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, किसी किसी की संधियां तो इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, सूजन आ जाती है उन पर, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ESR, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और शरीर बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बेकार, बहुत दुख और दर्द देने वाला हो जाता है, माने अपना ही शरीर अपने को दर्द देने लगता है। आयुर्वेद इसी तो
नाम है कि आयु को बढ़ाने वाला, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने बॉडी के ऑर्गेन्स, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी बॉडी के ऑर्गेन्स, अपने बॉडी के सेल टिश्यू अपने को सपोर्ट करें, अपने खिलाफत ना करें, अपने खिलाफ विद्रोह ना करें, बगावत ना करें। ये जो जितने भी डिजीज़ हैं, बॉडी जब ऑर्डर में नहीं रहती तो डिसऑर्डर करते क्या हैं? आपका ही शरीर आपको कष्ट देता है, आपके ही घुटने, आपके ही कमर, आपका ही लीवर किडनी, आपके ही फेफड़े, आपके ही हार्ट, आपका ही थायराइड, आपकी आँखें, आपका ही दिमाग, आपका ही दिल आपको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में जब आप रोगों से घिर जाते हैं, फिर उसके बाद में जीवन के दूसरे भी जो बड़े प्रसंग हैं, संदर्भ हैं, उनके विषय में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले अब किसी को वात रोग है। अब एक एक बीमारी की यदि प्रतिशत में बात करें तो 40 के बाद करीब 80-90% लोगों को ही वात रोग हो जाते हैं, और वात के साथ साथ बहुतों को करीब 20% लोगों को जो है पित्त रोग हो जाता है, किसी किसी को कफ रोग हो जाते हैं, और किसी को तो वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी वात की समस्या है। तो वात के लिए बिल्कुल आपको सामान्य उपचार बताते हैं, हम घरेलू उपचार बताते हैं, किस विकल्प को आप चुने। तो विकल्प ऐसा हो जिसमें समग्रता हो, इंक्लूसिव हो, स्थायित्व हो, सस्टेनेबल हो, विकल्प सस्ता भी हो, कम से कम हानि हो, कम से कम उसमें खर्च लगता हो, कम से कम हानि हो या बिल्कुल हानि ना हो, और लाभ अधिकतम हो या पूरा हो। तो इन सारी कसौटियों पर, माने अधिकतम लाभ, कम से कम खर्च और कम से कम उसके दुष्प्रभाव, नहीं मैंने कहूँगा कि 100% उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और उसमें स्थायित्व है, जो आपको लाभ होगा वो परमानेंट होगा, और जो लाभ होगा वो समग्रता से होगा, इंक्रीसिव होगा। जैसे हम आपको वात रोगों की बात कर रहा हूँ, तो वात रोगों के लिए मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के क्रोनिक अर्थराइटिस से लेकर के हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया, माने सर्वाइकल स्पोनाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस, पूरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, स्नायु तंत्र सब बेकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया है। और क्या है उपचार? अब मैं इसके 10 विकल्प आपको देता हूँ। हो सकता है किसी को सारे के सारे विकल्प सूट करें, हो सकता है एक दो विकल्प आपको आपकी प्रकृति के अनुकूल। देखो, लाभ की मात्रा में 3 कारण है। एक कि आपकी बॉडी कैसे रेस्पोंड करती है, आपको रोग का स्तर कितना है। जैसे किसी किसी का पेनक्रियाज बिल्कुल ही जो है रेस्पोंड नहीं कर रहा है, बीटा सेल्स डिजनरेट हो गए हैं, लंग, हार्ट, थायराइड, फिर आपकी बोन्स, माने बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ये पूरा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि बॉडी पूरी सपोर्ट नहीं कर रही है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बस इतना ही भेद है। सबकी बॉडी की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, सबकी माइंड की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, बॉडी की कंडीशन, टेंडेंसी, कंडीशन, बॉडी की प्रैक्टिस, सबका स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सबके थोड़े अलग अलग होते हैं। वातावरण घर का एक जैसा नहीं होता है, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का भी हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए थोड़ा लाभ की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपको 10 विकल्प बताता हूँ किसके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन के लिए, दर्दों के लिए, चाहे वो हड्डियों में, अस्थियों में दर्द है, चाहे वो मांसपेशियों में दर्द है। पहला विकल्प गिलोय, गिलोय जोड़ों के दर्द के लिए, डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, चिकनगुनिया, डेंगू के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए,
जैसे किसी किसी का बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए ज़बरदस्त है कि लोहे कोई बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़ते रहते हैं, जरा सी सर्दी लगी, जरा सी गर्मी लगी, जरा सी कोई भी प्रतिकूलता आई, बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, इसको कहते हैं लो इम्यूनिटी। तो अब देखिए अर्थराइटिस के साथ कितने लाभ हैं इसके। तो गिरोह पीजिए, मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के कई बार मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, 5-7 चीज़ों को मैंने खुद बचपन से फेस किया, पैरालिसिस को मैंने बचपन से फेस किया, दांतों की समस्या जेनेटिकली मुझे हो गई थी क्योंकि माँ के दांत और मसूड़े कमज़ोर थे, माँ अभी भी जीवित है जिस माँ ने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, दृष्टि दी जीवन की, और उनके तप त्याग तपस्या से आज हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिक होती हैं, मैंने हमेशा कहा है कि बीमारियों के 3 बड़े कारण होते हैं, एक जेनेटिक जिसको हम शास्त्र में प्रारब्ध कहते हैं, एक बाहर का एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है हमारी अपनी दिनचर्या, हमारी अपनी लाइफस्टाइल, ज़िंदगी को कितनी संजीदगी जागरूकता के साथ हम जीते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल, जेनेटिक रीजंस और एनवायरनमेंटल रीजंस, एनवायरनमेंट बोलो, बाहर के कुछ भी कारण हैं उसके अंदर, चाहे पोल्यूशन है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, जो भी खान पान है जैसा उपलब्ध है उसका, खैर किसी भी कारण से, मैं आपको फिर बहुत गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ कि मैं जब 8-9 साल का था तब से मुझे जो है वात का प्रभाव था शरीर में, और मेरी प्रकृति अभी भी वात और पित्त वाली प्रकृति है, यद्यपि थोड़े थोड़े अंश में सारी प्रकृति सम रहती है, इसी को तो स्वस्थ कहते हैं, और ये वात पित्त दोष विषम हो जाए इसी को त्रिदोष विकार कहते हैं, इसी को रोग कहते हैं। तो फेफड़े भी थोड़े कमज़ोर थे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आज से करीब 25 या 27 साल पहले पहली बार गंगोत्री गया था तो थोड़ा मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने फेफड़ों को इतना अच्छा किया कि अब मुझे वर्षों हो गए, अब सर्दी कफ जुकाम का प्रश्न ही नहीं, बुखार का भी प्रश्न नहीं। दांतों को मैंने पहले दंत मंजन बनाया और फिर दंत कांति बनाया, उससे ठीक किया। जोड़ों का दर्द ये मैंने योग के प्रभाव से दूर कर लिया था, आसन करता था फिर प्राणायाम करने लगा, लेकिन ये जो प्रकृतिगत प्रभाव होते हैं ये योग अभ्यास करते करते भी एक बार आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो एक बार मेरे यहाँ थोड़ा सा अंगुली में दर्द होने लगा, तो हाथ या पैर के अंगुलियों से शुरू होता है, और कभी कभी साल भर में करीब 1 या 2 बार थोड़ा गले में कफ ऐसा हो जाता था। तब मैंने स्वयं गिलोय का प्रयोग किया और उससे आज मुझे अब एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं होता, बाकी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और ये जो यहाँ थोड़ा सा शुरू हुआ था अब वो 100% ठीक हो गया। कहीं कहीं एक जो है बात कभी घुटने में, कभी कमर पे, कभी किसी मसल विशेष में थोड़ा परेशान करता है, ये अर्थराइटिस की कंडीशन नहीं है, ये बात मैंने कहा ना 80 प्रकार का बात होता है। तो मैंने खुद के ऊपर प्रयोग किया, फिर मैंने रोमेटॉइड अर्थराइटिस के जो रोगी थे उनके ऊपर प्रयोग किया, और बाकी सब रोगियों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है निर्दोष है। सर्दियों में आप इसको गर्म पिए और गर्मियों में उबाल करके ठंडा करके पिए। कुछ लोग मानते हैं कि काढ़ा तो हमेशा गर्मी होता, नहीं, काढ़ा उबाल करके, चाहे आप जैसे आपने गिलोय का काढ़ा पीना सर गर्मियों के अंदर, उबाल करके ठंडा करके पी लो, सरगल्प का हाथ उबाल करके ठंडा करके पी लो, श्वासारी पीना है तो जिनको कफ एलर्जी उनको तो गर्म ही पीना है। तो हर काढ़ा गर्म नहीं होता है, ये खास बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहला विकल्प गिलोय का, गिलोय से ही मैक्सिमम लोगों का अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अब 2-3 एक चीज़ एक साथ भी कर सकते हैं, दूसरा एलोवेरा का, एलोवेरा का 25 से 50 ml घर में ही आप एक उसका गुद्दा निकालिए और उसको मिक्सी में क्रश करके पी लीजिए, गिलोय के साथ एलोवेरा भी, ये भी त्रिदोष नाशक है, मन वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होता है इससे। फिर तीसरा है हार श्रृंगार पारिजात जिसको कहते हैं, वो भी पूरे देश में पौधा होता है। चौथा है फिर निर्गुंडी, और एक खास बात आपको कहना चाहता हूँ, पतंजलि का ऐसे तो रासना निर्गुंडी ये सभी काढ़े हम देते हैं, एक पीढ़ी तक वात आता था उसमें सारे वातनाशक काढ़ औषधियाँ हैं,
तो दो दो चम्मच करीब दो ग्लास पानी में उबालो और एक कप बच जाए तब छान के पी लो, माने 1/4 पानी बच जाए तब छान के पी लो। कोई भी काढ़ा रात को भिगो के सुबह पियो, सुबह भिगो के रात को पियो, तो उसके पूरे उसका एक्सट्रैक्शन, उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए काढ़ा ऐसे पीना चाहिए। खैर वात रोगों के लिए अभी मैं आपको कुछ ये प्राकृतिक चीज़ें बता रहा था। हल्दी मेथी सौंठ का मैं घरेलू उपचार बताता हूँ, इसको आप पाउडर करके सुबह शाम ले लें। किसी को केवल हल्दी से, किसी को केवल मेथी से ही फायदा हो जाता है। केवल हल्दी मेथी सौंठ तीनों का मिश्रण ले ले तो ज़्यादा फायदा होता है। वैसे इसका एक बना हुआ विकल्प है जो रेडीमेड आता है, वो है वातारी चूर्ण। इससे सस्ता कोई इलाज नहीं हो सकता। अब चंद्रप्रभा उठी लेते हैं, त्रिदशा गूगल लेते हैं, योगराज गूगल लेते हैं। अब देखो, जैसे जोड़ों में दर्द है तो योगराज गूगल सामान्यतः देते हैं, जब ज़्यादा दर्द होता है तो महायोगराज गूगल देते हैं। जोड़ों के दर्द के साथ ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियाँ भी ज़्यादा कमज़ोर हैं तो इसमें लाक्षादि गूगल देते हैं। जोड़ों के दर्द के साथ यूरिन की प्रॉब्लम्स भी हैं, गर्मी करती हैं जोड़ों के दर्द की दवाई, यूरिन में जलन हो जाती है तो गोक्षुरादि गूगल देते हैं। जोड़ों के दर्द के साथ स्किन की प्रॉब्लम है तो कैशोर गूगल देते हैं। जोड़ों के दर्द के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में भी, यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है तो त्रयोदशांग गूगल देते हैं गूगल। फिर ज़्यादा दर्द होता है तो महावात विध्वंसन रस प्रवाल पिष्टि बृहतवात चिंतामणि, महावात विध्वंसन 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, गोदंती भी 10 ग्राम, और प्रवाल पिष्टि और मुक्ता शक्ति ये हड्डियों को, माने कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर करते हैं। तो प्रवाल पिष्टि या प्रवाल पंचामृत और मोती पिष्टि या मुक्ता शक्ति, ये भी मुक्ता शक्ति 5 से 10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम ले सकते हैं। और इसमें बृहतवात चिंतामणी महीने में 2 से 3 ग्राम ली जा सकती है, थोड़ी महंगी होती है। खैर तो ये अनेक विकल्प मैंने आपको बताए, ये पाउडर सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है, उससे बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। खैर मैं आपको बता रहा था, अब ये जो महावात विध्वंसन रस प्रवाल पिष्टि मुक्ता शक्ति प्रवाल पंचामृत गोदंती और महावात विध्वंसन, ये आपको हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं औषधियाँ। अब ये जो औषधियाँ हैं ये आपको 500-700 रुपए से लेकर के, यदि 3 ग्राम तक ले लिया आपने बृहतवाद चिंतामणि तो 1 ही ग्राम कई सौ रुपए का होता है, तो ये आपकी 1000 से 2000 रुपए की दवाई हो सकती है महीने की। और बहुत ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, शरीर बहुत ख़राब हालत में, तो आवश्यकता हो तो ले भी सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, करीब 90% लोगों को तो वातारी चूर्ण से ही काम बन जाएगा। अब पूरे महीने भर की दवाई 50 से 100 रुपए की, लगभग 100 रुपए की दवाई, और ऐसा आप 3-6 महीना और अधिकतम 9 महीना प्रयोग कर लेते हैं तो आपका अर्थराइटिस दूर हो जाता है। फिर अर्थराइटिस के लिए एक और विकल्प आपको बता रहा हूँ, जो भस्म है खाली पेट लिए जाते हैं, काढ़े खाली पेट लिए जाते हैं, गोलियाँ खाने के बाद लेते हैं, गोली चबा करके खाते हैं, ये सामान्य बात है। अश्वशिला, इसके ऊपर तो अभी इंटरनेशनल जनरल में भी हम लोग, देखिए आपको मैं फिर बीच में 5-7 बातें बता रहा हूँ। अर्थराइटिस के लिए अंग्रेजी में जिसको ये लोग कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसमें खाली पेन किलर है, अर्थराइटिस का कोई इलाज ही नहीं है। देखो मैं आज जिन बीमारियों को बता रहा हूँ उनका इलाज ही नहीं है। पेन किलर ये दर्द की दवा नहीं है, दर्द हो रहा है बस आपको अनुभव नहीं होता। दर्द को भुलाने की दवाई है, दर्द को मिटाने की दवाई नहीं है। दर्द है अंदर, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, सब कुछ है, आपको अंदर तकलीफ है, खाली वो तकलीफ आप अनुभव ना करें। इसलिए जो पेन को महसूस कराने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं पेन किलर दे के, या बहुत ज़्यादा बढ़ने पर स्टीराइड दे करके, तो इलाज का हुआ। अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, लीवर किडनी का कोई इलाज नहीं है, स्किन का कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज ही नहीं है। सच्ची बात कह रहा हूँ आपसे। खैर पहले उन्हीं को बता रहा हूँ फिर मैं दूसरी बातों को लेता हूँ। तो आपके पास जो विकल्प हैं एलोपैथी में, चाहे वो अर्थराइटिस के लिए है
वात रोगों के लिए, चाहे अस्थमा कफ रोगों के लिए, चाहे पित्त रोगों के लिए। पहली बात तो वो इलाज ही नहीं है, उस बीमारी को भुलाने के लिए है, उसको आम भाषा में बोलता है दबाने के लिए, और जितना फिर दबता जाता है फिर और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। खैर, तो ये मैंने आपको दसियों विकल्प बता दिए वात रोगों के। इसमें अश्वशिला में लास्ट में बता रहा था, और अश्वशिला हृदयामृत, अश्वशिला जोड़ों के दर्द के लिए, कमजोरी के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा मसल्स बोन्स वीक हैं, अंडरवेट है, उनके लिए अश्वशिला। मुक्तावटी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हृदयामृत हार्ट के लिए, हार्ट के किसी भी प्रकार की समस्या है, हार्ट की नस सिकुड़ गई है, हार्ट की नस चौड़ी हो गई है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हैं, हार्ट वीक है, हार्ट इनलार्ज हो गया है, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी, हार्ट के लिए हृदयामृत। शुगर के लिए मधुनाशिनी, और साथ में हम गिलोय घनवटी और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने पर चंद्र प्रभावटी भी दे देते हैं। ब्रेन के लिए मेधावटी, और लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ। इनका तो हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर चुके हैं, जिसको एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, और फिर भी कोई भरोसा ना करे तो देखो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, बोलो मैं तो मानता ही नहीं। कोई माँ को माँ ना माने, पिता को पिता ना माने, गाय को गाय ना माने, जो दूध को दूध ना माने, पानी को पानी ना माने, बोलो मैं तो मानता ही नहीं। अब ये कोई ना मानने का तो देखो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको तो कहना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, अब आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग गलतफहमीवश, अज्ञानतावश, दुराग्रहवश, भ्रांतिवश, बहकावेवश, या किन्हीं लोगों ने उनके साथ धोखा विश्वासघात छल किया, उसके कारण से किसी भी अज्ञान से, आग्रह से, कोई गलत एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, गलत लोग में गए, उनके कारण से जिन लोगों के दिमाग में ब्लॉकेज है, उनको निकालिए और उनको ये सही विकल्प बताइए चिकित्सा के।